हेलो ट्रेनर्स वेलकम बैक टू एंड रोकिट गेमिंग विद मोस्ट ऑफ ग्लोरी गेम प्ले वीडियो तो भाई साहब जो भी लोग बोल रहे थे कि आप मोस्ट ऑफ ग्लोरी की वीडियो कब लाओगे या मोस्ट ऑफ ग्लोरी की लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हो तो भाई आप लोगों के लिए मोस्ट ऑफ ग्लोरी का वीडियो आ चुका है तो भाई बिल्कुल भी देखना मत भूलना इसे यार क्योंकि तुम जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ माइंड की तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करते हो कि भाई मोस्ट ऑफ ग्लोरी की वीडियोज़ बनाओ तो भाई अगर मैं मोस्ट ऑफ ग्लोरी की वीडियोज़ बना रहा हूँ तो आपका काम है भाई आप उस वीडियो को कम से कम देखो तो सही अगर मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ तो आप एटलीस्ट देख तो सकते ही हो ना ब्रो जिससे मुझे तो पता चले कि हाँ बनाने का कुछ तो भाई मतलब कोई चाहता है देखना आप सिर्फ कमेंट करोगे कि भाई मैं वीडियो देखना चाहता हूँ लेकिन आप अगर देखोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा ब्रो मुझे तो वही एक रास्ता है पता करने का कि व्यूज़ है तो मुझे पता है कि भाई आप लोगों ने देखा है आप लाइक करो या नहीं करो लेकिन आपने देखा है ये तो पता चलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स एक्टिव है तो फाइनली मैं बहुत दिन से नहीं खेल रहा था तो देख सकते हो ऑफलाइन डे सेवन हो चुके हैं तो भाई चलो सबसे पहले तो इस रिवॉर्ड को कलेक्ट करना है तो इस रिवॉर्ड को कलेक्ट करने से पहले मैं ये रिवॉर्ड कलेक्ट नहीं करने वाला हूँ मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले भाई गैचअप ऑन वाला थोड़ा कुछ कर ले यार बहुत दिनों से नहीं खोला है तो कुछ तो कर ले रून ऑफ मॉर्निंग है नहीं रून ऑफ मॉर्निंग हमें नहीं करना बाद में कर लेंगे एक्सचेंज फ्री कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिला है अलोल नाइन टेल्स का इवोल्यूशनरी स्टोन जो कि मेरे किसी काम का नहीं है बकवास है फाइनली आ जाते हैं पोकेमोन सेक्शन में और पोकेमोन सेक्शन में भाई हमारे सारे पोकेमोन्स हैं ना कुछ गैप तो नहीं हुआ है हाँ हमारा गिराटीना काोगर और वीनासो और ग्राउंड ग्राउड सब है बहुत सही तो फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज के जो टॉपिक में वो है भाई पोकेडेक्स के बारे में तो पोकेडेक्स आप लोग बहुत लोग जानते होंगे तो बहुत लोग भाई अभी ये वीडियो को लीव करने वाले हो छोड़ने वाले हो कि भाई ये क्या बकवास बता रहा है हमें सब चीज़ पता है हमें नहीं जानना तो ठीक है भाई आप लोग जो जानते हो वो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ तो पोकेडेक्स सिंपली आप कह सकते हो पोकेडेक्स लेवल है जो कि मतलब जस्ट लाइक पावर को इंक्रीज़ करता है पावर बेसिकली पोगमोन्स के सिक्स फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है इस गेम में या आप कह सकते हो ओवरऑल भी है आईवी जो कि सिक्स होता है प्लस में आपका कितना हेल्थ पॉइंट है जो कि एचपी प्लस में आपका फर्स्ट है एचपी सेकंड है फिजिकल अटैक थर्ड है फिजिकल डिफेंस फोर्थ है स्पेशल अटैक फिफ्थ स्पेशल डिफेंस एंड इज स्पीड तो अटैक दो तरह के हैं मेनली फिजिकल अटैक एंड स्पेशल अटैक स्पेशल अटैक मतलब उस तरह के अटैक सब कर सकते हो जिसमें कुछ तरह का लाइट या बीम्स निकलता हो बॉडी से इस तरह के अटैक जो कि मतलब स्पेशल दिखे और फिजिकल अटैक अगर आप किसी को जाके एक थप्पड़ मारते हो तो वो स्पेशल अटैक वो हुआ फिजिकल अटैक अगर माचम्प जाके किसी को उठा के फेंक देता है तो वो हो जाएगा उसका फिजिकल अटैक अगर माचम्प अपने अंदर से कोई पावर इन्हेंस करता है या फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता है जैसे चारीज तो वो हुआ उसका स्पेशल अटैक और अगर चारीज स्क्रैच करता है तो वो हुआ फिजिकल अटैक तो मेनली दो टाइप का अटैक है तो दो टाइप का डिफेंस भी है फिजिकल डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस और स्पीड जिसका स्पीड ज़्यादा होगा भाई वो पहले मारेगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड का और एच आपका कितना पावर है यानी हेल्थ पॉइंट आपका कितना हेल्थ पॉइंट है अगर आपका सौ हेल्थ पॉइंट है और अगर आपके सामने वाला डैमेज का फिजिकल अटैक जो है वो मान लीजिए आपका ट्वेंटी है एक बार में तो वो आपको पांच बार मारेगा तो आपका जो हेल्थ है वो जीरो हो जाएगा और अगर आपका हेल्थ जीरो हो जाएगा तो ब्रो आप मर जाओगे डेफिनेटली सी बात है तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हमारे पोकेमॉन्स से रिलेटेड तो फाइनली पोकेटक्स भी इसी तरह आपके इन सभी फैक्टर्स को बढ़ाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ पोकेटक्स की सेक्शन में आ जाते हैं पोकेटक्स सेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे पोकेमॉन्स तो मैं आपको बेसिकली सिंपल एक पोकेमोन पर दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैं किसी भी पोकेमान पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे हम लोग आ गए गेंगार के ऊपर गेंगार को मैं अगर यहाँ पर देख सकते हैं पोकेटक्स तैबैक पोकेटक्स का आइकन बना हुआ है वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका स्टडी लेवल है जो कि इलेवन है यहाँ पे आप देख सकते हो और इसके एचपी और ये सभी आपको दिख रहे होंगे स्पेशल अटैक तो ये गियर है जिसको आपको कलेक्ट करना होता है ये सारे गियर्स को तो इन सारे गियर्स को कलेक्ट करना भाई आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है बता दूँ भाई कहीं कहीं मिलते हैं तो आप यहाँ से सिंपली कलेक्ट करके कलेक्ट कर सकते हो मतलब देख के कहाँ मिलते हैं कौन से लेवल पर तो ये तो भाई नॉर्मल है तो आप कुछ इसमें रूल्स आते हैं जो कि अलग रूल है तो बेसिकली आपको पोकेडेक्स का लेवल बढ़ाने के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ होता है आफ्टर लेवल थर्टी आपको क्रिस्टल्स का यूज़ होता है लेवल थर्टी के बाद अगर आप करोगे तो आपको क्रिस्टल्स लगेंगे तो क्रिस्टल्स किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इवेंट सेक्शन में इवेंट सेक्शन में आने के बाद आपको आना है डिफाइन इंस्टेंस रिफाइंड इंस्टेंस में आपको आना है यहाँ पे आयरन मैन ट्रायल नहीं डिएल बिटवीन किंग्स ड्यूल बिटवीन किंग्स में यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं तो आपका बहुत प्लेयर्स का भाई वन खुला होगा टू थ्री होगा और कितनी का भाई लास्ट भी होगा नाइन भी खुला हो सकता है क्योंकि नाइन्टी लेवल के बाद खुल जाता है तो मेरा भी खुल सकता है मैं भी नाइन्टी लेवल का पढ़ूँ लेकिन मुझे इन सभी को हराना होगा और हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पॉकेम उतने ज़्यादा ट्रेन नहीं है तो फाइनली यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल फाइव पर हमें मिलता है साइकिक क्रिस्टल सिक्स तो अब इन क्रिस्टल्स का क्या यूज़ है तो ये क्रिस्टल एक जस्ट लाइक आप कह सकते हो करेंसी है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने इन पोकेडेक्स लेवल को इनक्रीज करने के लिए यहाँ पे भाई डिफिकल्टी लेवल सिक्स पे हमें मिलता है फर्स्ट क्लास सुपर एनर्जी क्रिस्टल तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ क्या है सुपर एनर्जी क्रिस्टल तो आपको सुपर एनर्जी क्रिस्टल लेने के लिए इनको हराना पड़ेगा अब इसका बेसिक कॉन्प्ट है अगर आप इन्हें एक स्टार पे आते हो तो आपको कम क्रिस्टल मिलेंगे अगर आप तीन स्टार पे आते हो तो आपको ऑलमोस्ट चार क्रिस्टल एक बार में मिलते हैं मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कितने क्रिस्टल हमें मिलेंगे मैं हमारे पास 97 क्रिस्टल है और मैं स्वीप टाइम्स वन करता हूँ तो हमें मिले ऑलमोस्ट फाइव क्रिस्टल यानी मैं तीन स्टार किए हुए हूँ तो मैं स्वीप कर सकता हूँ अगर आपने तीन स्टार नहीं किया तो आप स्वीप नहीं कर सकते हो तो ये था हमारा फर्स्ट क्लास सुपर एनर्जी क्रिस्टल लेकिन आपको फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास का भी जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड क्लास का सुपर एनर्जी क्रिस्टल है जो कि मेरे पास भाई सिक्स है मैंने एक बार बैटल नहीं किया है लेकिन ये सिक्स कहाँ से है तो ये सिक्स मुझे नहीं याद है आजा यह कि लेकिन ओवरवेलम क्या बोल रहा है पावर ऑफ पोगेमॉन्स इन योर करेंट टीम इज़ इन यू कॉन्ट ओवर वेल तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो पावर है मतलब पोगेमॉन्स का वो सफिशियंट नहीं है जिस वजह से आप नहीं हरा पाओगे इसे तो भाई ठीक है मान लिया नहीं हरा पाएंगे लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा इन सभी को कि आप कैसे कर सकते हो थ्री स्टार बहुत ही इजी है उतना कुछ हार्ड नहीं है अगर आपको इस पर दिक्कत होता है तो आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है बट ये था भाई फ़र्स्ट क्लास सुपर एनर्जी क्रिस्टल एंड देन आपको लेवल ट्यू पे है सेकेंड क्लास और फाइनली सेकेंड क्लास के बाद यहाँ पर आप थर्ड होगा सेकेंड क्लास ही है ये ये सेकेंड है ये फर्स्ट है अच्छा तो थर्ड वाला मेरा अभी ओपन नहीं हुआ ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा तो यहाँ पे ब्रो आज की वीडियो में यही था तो आपको ये एनर्जी क्रिस्टल कलेक्ट करने होंगे तो अब आप सोचोगे भाई ये एनर्जी क्रिस्टल तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो पर डे आप एनर्जी क्रिस्टल कलेक्ट कर सकते हो थर्टी थर्टी नहीं फाइव टीन फिफ्टीन तो यहाँ पे मैं आपको कलेक्ट करके भी दिखाता हूँ इवेंट सेक्शन में रिफाइन एंड डुल बिटवीन किंग्स और, और यहाँ पे मेरा डिफिकल्टी लेवल फाइव पे है सिक्स पे है तो मैं यहाँ पे स्वीप टाइम्स टू करूँगा और स्वीप हो जाएगा कहाँ पर मुझे टेन और क्रिस्टल मिल गए तो अब इस क्रिस्टल का यूज़ कैसे करके दिखाना है भाई यूज़ करके भी दिखा दे रहा हूँ नहीं तो बहुत लोग बोलोगे कि आप यूज़ कैसे करेंगे तो बैग में आ जाते हैं बैग में मुझे क्रिस्टल दिख जाएंगे शायद बैग में मटेरियल मटेरियल में यहाँ पे भाई कहाँ गया क्रिस्टल क्रिस्टल कहाँ गया यार यहाँ नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता क्यों अच्छा यहाँ पे हंड्रेड एंड ट्वेल्व क्रिस्टल तो ब्रो इसे कभी भी बेचना नहीं तो फाइनली आज के इस वीडियो में यही था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लो इस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी भाई बोल रहे थे कि मोस्ट ऑफ ग्लोरी के वीडियोस क्यों नहीं ला रहे हो तो वो मोस्ट ऑफ ग्लोरी के वीडियोस मैं लाऊंगा लेकिन मैं हर एक फैक्टर्स को मेंशन करूंगा जो ज़रूरी हो हर एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं कि अगर आप प्रो प्लेयर हो तो आपके लिए जरूरी नहीं है दूसरों के लिए जरूरी है तो मैं भाई इस भी चीज़ में विश्वास करता हूँ कि अगर मैं आपको सिंपल वे में सभी चीज़ को समझा सकूँ अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सिंपल सिंपलिसिटी करके समझ सकते हो यानी सिंपल वे में अगर समझोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अब बहुत ही ज़्यादा कोई मैकानिजम है उसको आप लेंदी वे में समझने की कोशिश करोगे उसमें कितने सारे इक्विपमेंट्स लगे उन सभी के बारे में आप नहीं जानना चाहोगे और आप सोचो कि आप उसका प्रोसेस जान लो तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा इसलिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी भी चीज़ को समझोगे तो बहुत ही ईजी है भाई हर एक चीज़ ईजी है तो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही फिर मुलाकात होगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड गेमिंग बाय